अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी के राज में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसका नाम है इत्लाम। आज मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊँगा कि इत्लाम क्या है, इसकी वजूहात, अलामात, इलाज, परहेज और एहतियाती तदाबीर क्या है। ये सब कुछ इस टॉपिक में मैं बताऊँगा। अब मैं आपको बताऊंगा इत्लाम क्या है। अगर सादे अल्फाज में इत्लाम की तारीफ की जाए तो इसका मतलब है मनी यानी सीमन के इखराज का दूसरा बेहतर रास्ता इत्लाम है। जो नौजवान शादीशुदा नहीं है या इनको खुद लस्दी का वक्त नहीं मिलता तो इनको इत्लाम हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो आगे बयान की गई हैं। लिहाजा सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इत्लाम कहते किसे हैं। उम्मीद है आप लोग इसकी तारीफ समझ चुके होंगे। इंसान के अंदर कुदरती तौर पर इंतजाम मौजूद है। जब मर्द की शादी ना हुई हो और इसकी जिनसी ख्वाहिश भी पूरी ना हो तो इसको उभरती हुई ख्वाहिश की वजह से वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। यानी इसके अंदर जो मनी और स्पर्म्स होते हैं वो इसको तंग कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह वो खारिज हो जाए और उसे सुकून मिल जाए। हालांकि ये कुदरती अमल है जिसका किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होता और इसका इखराज भी कुदरती तौर पर होता है ताकि मर्द बुराई से बच जाए और ज़िना की तरफ ना जाए। लिहाजा इसे परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये किसी किस्म की बीमारी नहीं। इत्लाम महीने में 2 दफा हुआ करता है। अगर आप सेहतमंद हैं और महीने में 2 से 3 मरतबा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुदरती अमल है। जिन लोगों को इत्लाम महीने में 2 से 3 मरतबा भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इसकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है और ना ही किसी किस्म की बीमारी है क्योंकि ये कुदरती निजाम है। जिस इत्लाम की भी बात की गई वो कुदरती इत्लाम है। अब जिस इत्लाम की बात करने लगे हैं वो कुदरती इत्लाम नहीं है बल्कि इसका इलाज भी बहुत जरूरी है। इसकी कुछ वजूहात है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इत्लाम होने लग जाता है यानी 1 हफ्ते में 2 से 3 बार होता है और बाज अवकात ऐसा होता है कि एक ही रात में 2-3 दफा हो जाता है। ये नींद और ऊंघ दोनों हालत में भी हो जाता है। बाज मरीजों के साथ ऐसा भी होता है कि मनी खारिज तो होती है मगर वो मसाने में चली जाती है। जब मर्द पेशाब करता है इसमें खारिज होती है और ये अलामत मर्दाना कमजोरी की होती है। किसी लड़के के साथ गुजरा रोमांटिक वक्त जब वो याद करता है या जब किसी औरत से मोबाइल पर बात करे तो इसकी आवाज की वजह से भी इसे इत्लाम हो जाता है। सोने से कबल पेशाब ना करना या सोने में पेशाब को रोकना भी इसका सबब है। माहिरीन का ख्याल है कि इत्लाम को बंद करने की कोशिश ना की जाए क्योंकि अगर मनी के अखराज का ये अच्छा रास्ता बंद हो गया तो मर्द दूसरे गलत रास्ते तलाश करेगा, फिर वो खुद लस्ती करेगा या जना में मुब्तला हो जाएगा। उमूमन वो नौजवान जिनको इत्लाम ज्यादा होता है वो खुद लस्ती नहीं करते। इत्लाम गैर शादीशुदा अफराद के अलावा शादीशुदा अफराद को भी होता है जिनको बीवी से मुबाशर करने के लिए जल्द मौका नहीं मिलता। तो नाज़रीन अभी मैंने आपको बताया कि इत्लाम क्या है और इस किस वजह से होता है, इसकी वजूहात बताई। तो अब मैं आपको इसके अलामात के बारे में बताता हूँ। इत्लाम के मरीज की अलामात ये है। मरीज को खुद मालूम होता है कि इसको ये मर्ज लाहक हो गया है। जब मर्ज बढ़ जाता है तो मरीज को पेशाब जल कर आने लगता है, खुशियों में दर्द रहने लगता है, तबीयत में सुस्ती, कमर में दर्द, दिमागी कमजोरी वगैरह आम अलामात है। नाज़रीन ये थी इत्लाम के मरीजों की अलामात। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। इस मर्ज के इलाज में सबसे ज्यादा अहम बात यह है मरीज अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखे, शैवानी ख्यालात पास न भटकने दे, नेक व सहले आदमियों की सुबक्त अख्तियार करे, कुव्वत हजम का भी ख्याल रखे, मसालेदार तेज गर्म गजाओं से परहेज करे, सादा और जल्द हजम वाली गजाएं इस्तेमाल करे, सोने से पहले पेशाब या पखाने से भी फारग हो जाए। इन चीजों का इत्तमा उसे खास में खिजश का बायस बनता है कि इत्लाम न हो जाए, कब्ज न होने दी जाए। कब्ज भी असबाब इत्लाम को मदद पहुँचाती है। नरम व गर्म बिस्तर पर सोना, बंद कमरा में लेटना भी मोहरक इत्लाम है। इसलिए मुनासिब है कि सोने का बिस्तर सख्त और मकाम हवादार हो। चित लेटने की हालत में भी इत्लाम ज्यादा होता है, इसलिए पहलू पर लेटने की आदत डालनी चाहिए। अगर रात के पिछले समय आंख खुलने पर पेशाब मालूम हो तो फौरन उठकर पेशाब करे, गर्म दूध, चाय, कॉफी पी कर ना सोए। सोते वक्त उज़ू को ठंडे पानी से धोना भी मुफीद है। तो नाजरीन तमाम जिनसी अमराज बशमूल इत्लाम के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिबी तरीके का इलाज ही है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नाइल डॉक्टर्स और हुक्मा आजाद के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है।
इसके अलावा गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने जिंसी पेचीदा व पोशीदा इमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज ही पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद इत्लाम का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दुहाने पर इत्लाम का मुकम्मल इलाज तशरीह से बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुहाने का इत्लाम के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में ही मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुहाने के एक दफा के इलाज से आपको इंशाल्लाह दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इत्लाम के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है, जो हर तरह के इलाज करा कर भी और तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। अल्लाह के फजल से वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं इन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इत्लाम जैसे जिंसी मर्ज में मुबतला है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुहाने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप कराकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुर्जी मार से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाए। हमारे इलाज से न सिर्फ इत्लाम का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाले जिंसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी ये इंतहाई मुफीद व मौसर है। हर तरह के जिंसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दुहान तशरीफ लाएं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इत्लाम के बारे में एहतियात हदायात बताता हूँ। इत्लाम से बचने के लिए कुछ बातें ज़हन नशीन कर लें। हर तरह की गंदी फैश फिल्में, तस्वीरें देखने और फैश नावल कहानियाँ बातें सुनने से मुकम्मल परहेज करें। खेलों में दिलचस्पी लें, रात का खाना कम और जल्दी यानी ईशा की नमाज से पहले खाया जाए। दीन की तरफ ज्यादा दिलचस्पी लें, कुरान शरीफ बमा तर्जमा पढ़ें। रात को सोते वक्त गर्म और मुर्गन गजा दूध चाय वगैरह न पी जाए। सोते वक्त ज्यादा नरम बिस्तर इस्तेमाल न करें, बल्कि अपनी सोच बिल्कुल साफ रखें। अल्लाह ताला का कसर से जिक्र किया करें और नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज बुरे कामों से रोकती है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात आपको हासिल हुई होंगी, जो आपके लिए बहुत मुफीद और इंशाल्लाह फायदा मंद साबित होगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यही खत्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक और नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिरूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं तासीर दवाखाना, IIIL इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़्द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300-955-2889, 0321-955-2889, 0334-955-2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 0515-777-696, 0515-777-697, 0515-777-3239, 0515-530-536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर रابطہ करें 0336-577-696, 0336-577-697, 0333-550-1390, 0323-550-1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtarktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331-560-7654, 0332-560-7654, 0315-550-536, 0312-577-3239।